न्यूएस्ट ट्रेन को लेकर दिल्ली में क्या कुछ, जैसे क्या कि एनजेपी देखिएगा, एलएनजेपी लोगों हॉस्पिटल में 38 पॉजिटिव पेशेंट हैं जो दिल्ली से बाहर के आए हुए हैं। उनमें से 4 पेशेंट्स नए स्ट्रेन के पाए गए, पर मैं फिर भी आश्वस्त करता हूँ कि देखिए, फ्लाइट्स बंद कर दी गए हैं, नए लोग नहीं आ रहे हैं। जो पुराने थे उनको घर घर जाके चेक किया गया, किसी को भी मिल रहा है तो उसको चेक किया जा रहा है, उसका पूरा स्टडी किया जा रहा है, और उनमें लगता है घबराने की ज़रूरत नहीं है। एलएनजेपी में जो लोग 4 लोग पॉजिटिव हैं, क्या उनमें कोई दिल्ली का भी है? सारे दिल्ली के, मतलब सब दिल्ली के रहने वाले? सारे इंडियंस ही हैं जो बाहर से वापस आए। अब ये नहीं पता कि वो दिल्ली के हैं या कहाँ के हैं, मोस्ट लाइकली दिल्ली के हैं। अब उनके संपर्क में आए कुछ लोग, क्या पता है कि कोई संपर्क में आया हो उनके लिए सबको टेस्ट कर टेस्टिंग लिया के गया है, लिए? नहीं मिले हैं। सर, एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया साहब ने कहा है कि जो न्यू स्ट्रेन है वो दिसंबर से पहले ही एक तरह से माना जा रहा है कि दिल्ली में और देश में एंटर किया है, इस पर क्या कहना है? ये तो एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं कि भी अभी तो उसका एनालिसिस चल रहा है कि जो स्ट्रेन है कि उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग होती है कि वो कौन किस आदमी को, जैसे 38 लोग पॉजिटिव पाए तो 38 पॉजिटिव थे परंतु तो उसमें से 4 ही में मिला, तो उसको एकदम से कहना कि भाई वो कब से थे, वो तो क्योंकि फ्लाइट से इंडिया जब आए हैं तभी आए हैं।